गुड मॉर्निंग बच्चों, इस समय हम सॉल्व कर रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक को। और बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि है बच्चों सर्किल के कंसेप्ट के ऊपर। और आज मेरा इसका पहला वीडियो है बच्चों। आज के वीडियो में हम जो है सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1 सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 की। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और आज का वीडियो मैथ का वीडियो है। तो बच्चों चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 10.1 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर 10 सर्किल्स की। और बच्चों ये है हमारा सीबीएसई एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है क्लास 10 की, इसका सलूशन मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सर्किल एंड टेंजेंट टू ए सर्किल। ये बच्चों छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी आप इसकी सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, फिर बच्चों जो है आप 11th में जाओगे वहां काम आएगा, और यदि आप नीट आईटी की तैयारी करोगे तो वहां पर भी काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट जो है सर्किल का। जैसे सर्किल के बारे में आप जो जानते हो वो कॉमन सी बातें जानते हो, चलिए उसको हल्का सा देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा सर्किल होता है बच्चों, इसका एक सेंटर होता है और बच्चों ये रेडियस होता है, इतनी बात तो आपको पता है। ठीक है बच्चों, हम बच्चों यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं टेंजेंट एंड सेकेंड। ठीक है, टेंजेंट एंड सेकेंड ऑफ सर्किल। ठीक है, टेंजेंट एंड सेकेंड ऑफ सर्किल। अब बच्चों क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि हम बात करते हैं, एक तो सर्किल हो गया, जैसे ये हमारा ये इसका हो गया बच्चों सेंटर इस तरीके से। ठीक है, सेंटर ओ हमने ले लिया, और बच्चों एक हमने इस तरीके से ले ली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है पी और क्यू। अब बच्चों ये स्ट्रेट लाइन हम किसी सर्किल के साथ तीन तरीके के कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं। तीन तरीके का कॉम्बिनेशन कैसा होता है बच्चों, एक तो ये हो गया, चलिए मैं तीनों बना के बताता हूं फिर आपके बात समझ में आ जाएगी। कॉम्बिनेशन हम तीन बनाएंगे, तीन सर्किल बना रहे हैं और तीन स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, और सर्किल के साथ उसका रिलेशनशिप देखेगा बच्चों। ये देखिए ये हमारा एक सर्किल हो गया और ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई इस तरीके से। ये सर्किल है, इसका सेंटर ओ है। ठीक है बच्चों, ये बच्चों एक दूसरा सर्किल हो गया, और ये बच्चों हमारे पास एक देखिए इस तरीके से एक हमारे पास तीसरा सर्किल हो गया। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों पी क्यू। ठीक है, और बच्चों यहां पर देखिए ये हमारे पास इस तरीके से दूसरा सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ये भी ओ रख देते हैं, और देखिए ये स्ट्रेट लाइन ये आ गई इस तरीके से, और बच्चों एक स्ट्रेट लाइन आई जो कि हमारे पास आई कुछ इस तरीके से ये। ठीक है, ये देखिए बच्चों इस तरीके से, ये देखिए ये भी पी क्यू हम शो कर सकते हैं, और इसको भी हम कह सकते हैं पी और क्यू। अब बच्चों चलिए आइए बात करते हैं, तीनों पर डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा और साफ साफ दिख भी रहा है। देखिए पहला वाला है, इसमें सर्किल है, इसमें बच्चों हमारा जो है एक स्ट्रेट लाइन है। सर्किल और स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से अलग अलग है, एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर कोई नहीं है, कोई इनके बीच में कॉमन पॉइंट नहीं है, दोनों स्ट्रेट लाइन और सर्किल के दोनों सेपरेट है बच्चों। यही लाइन जब कुछ इस फॉर्म में आ जाती है तो कहानी थोड़ी सी बदलती है। होता है क्या है कि एक ये पॉइंट और दूसरा ए पॉइंट, अगर हम इसको ए बोलें और इसको बी बोलें, ठीक है, तो बच्चों ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो स्ट्रेट लाइन के लिए और सर्किल के लिए कॉमन है। ठीक है, तो कितना हो गया कि यहां पे देखिए सबसे लिखिए कि टू पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉमन फॉर सर्किल एंड स्ट्रेट लाइन। ये बच्चों यहां पर ये बात आई, इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था। ठीक है बच्चों, और बच्चों इस लाइन को जिसमें हमारे पास दो पॉइंट कॉमन मिलते हैं बच्चों, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं सेकेंड क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑफ
सर्किल, ठीक है। इस पूरी लाइन को सेकंड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अभी बच्चों आपने पढ़ा था, और जो इसके बीच में आता है ए और बी के बीच में, सर ए और बी के बीच में, इसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड और सेकंड में डिफरेंस ये होता है, जैसे ए बी क्या हो गया, ये हो गया बच्चों कॉर्ड, ठीक है, इतने बीच का दूरी का हिस्सा। लेकिन पी क्यू पूरी लाइन है, लाइन पता नहीं कहां तक जा रही है, कहां से आई है बच्चों, ये लाइन पी क्यू हमारी कहलाएगी सेकेंड ऑफ सर्किल, ये अंतर है। अब बच्चों चलिए आगे वाले में चलते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये सिर्फ इस पॉइंट पे टच कर रही है, ये पॉइंट समझ करिए एक्स है, इस तरीके से जहां पे टच कर रही है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ कि हमारा जो कॉमन पॉइंट होता है, जैसे यहां पर कॉमन पॉइंट हमारा कितना है, दो कॉमन पॉइंट है ए और बी। अब बच्चों यहां पर भी कॉमन पॉइंट है, तो यहां पर लिखिए सबसे पहले एक्स इज ए कॉमन पॉइंट, एक्स इज ए कॉमन पॉइंट, ठीक है, फॉर सर्किल एंड स्ट्रेट लाइन पी क्यू, स्ट्रेट लाइन पी क्यू, ठीक है। एक्स इज ए कॉमन पॉइंट फॉर सर्किल एंड स्ट्रेट लाइन पी क्यू, ये हो गया बच्चों। और बच्चों इस कंडीशन में जब हमारा जो है सर्किल को कोई भी स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्किल। क्या बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ सर्किल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्किल। ये हो गया बच्चों सेकंड ऑफ सर्किल, और बच्चों ये हो गया बच्चों ए बी अंदर का होगा सिर्फ, उसको बोलेंगे कॉर्ड। कॉर्ड और सेकंड में ये डिफरेंस होता है। जैसे सपोज करिए ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, तो बच्चों अगर हम कोई लाइन ऐसे खींचते हैं तो ये कॉर्ड हुई, और इस और ये ऐसे कर दे तो बच्चों ये कॉर्ड ना होकर के ये सेकंड हो जाता है, ठीक है बच्चों, ये हुआ इसमें बात। अब चलिए बच्चों कुछ आगे की बात करते हैं, ठीक। तो ये बच्चों ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन आपका जो है सेकंड एंड टेंजेंट से। अब बच्चों हमारा जो है सेकंड के बारे में बात कम है, टेंजेंट के बारे में थोड़ी सी बात है, उसको देख लीजिए, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर बच्चों एक बात ये होती है कि जैसे हमारे पास कोई सर्किल इस तरीके से है, ठीक है, कोई सर्किल इस तरीके से है, और बच्चों उसके ऊपर हम एक इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करें, तो दूसरा टेंजेंट बच्चों यहां पे ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है, जो कि एक दूसरे के पैरेलल होगा। मतलब पैरेलल जो होते हैं टेंजेंट वो जो है दो होते हैं, ठीक है, पैरेलल टेंजेंट सिर्फ दो होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए एट ए टाइम, ठीक है, किसी समय पे किसी एक पर्टिकुलर लाइन के लिए एनी सर्किल हैव, एनी सर्किल हैव टू पैरेलल टेंजेंट, इसको नोट कर लीजिए, टू पैरेलल टेंजेंट हमारे पास इस तरीके से होते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्या कहते हैं पैरेलल सेकंड देखें, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, सेकंड देखिए एक ये हो गया, 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 इस तरीके से हम जो है कितने चाहे उतने पैरेलल जो है सेकंड बना सकते हैं। तो बच्चों यहां पे देख लीजिए बट हैविंग इनफाइनाइट इनफाइनाइट पैरेलल सेकंड, ये बच्चों आ गया इनफाइनाइट पैरेलल सेकंड। टेंजेंट दो होगा पैरेलल, और बच्चों सेकंड हमारे इनफाइनाइट हो सकते हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बच्चों दूसरी चीज आप देखिए, ठीक है, दूसरी चीज देखिए क्या होता है। जैसे बच्चों एक चीज हम दिखाएं आपको कि यहां पर जैसे कि हमने एक सर्किल बनाया, और बच्चों ये जो है हमने इसको इस तरीके से यहां पर देखिए एक जो है ऐसे सेकंड बना दिया। अब बच्चों ये इस जगह पे इस तरीके से ऐसे आ गया, ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है, ये लाइन पी है, ये क्यू है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, इस तरीके से है ये घूम रहा। अब मान लीजिए इस लाइन को हम ऐसे घुमाए, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये देखिए ऐसे आ जाएगा, इसी इसी पॉइंट ऐसे निकल रहा है, लेकिन ये पॉइंट ऐसे आ गया। अब बच्चों इसको और घुमा दें तो बच्चों क्या होता है कि यहां से आएगा, और इस केस में जब खाली ए से ही गुजरता है
तो बच्चों क्या होता है कि ये हमारा टेंजेंट बन जाता है। अब ये कहना क्या चाह रहा हूं मैं, यहाँ पे देखिए कहने जा रहे हैं कि जैसे क्या होता है कि कोई भी हमारा सेकेंड होता है वो जो है दो पॉइंट पे कट करता है सर्किल को, जैसे जैसे हम इसको इधर घुमाते हैं वैसे वैसे ये दूसरा वाला पॉइंट इसके करीब आता है, और बच्चों एक ऐसा टाइम आता है कि ये वाला पॉइंट इसके ऊपर ओवरलैप कर जाता है, और जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा जो ओवरलैप कर जाता है तो उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्किल। ये बात आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे जब हमारे सेकंड के दोनों पॉइंट, दोनों कॉमन पॉइंट जब हमारा जो है ओवरलैप कर जाता है तो उस सेकंड को हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्किल, ठीक है बच्चों। ये हमारा पास ये हो गया। अब बच्चों देखिए इसके बाद जो है, इसके बाद बच्चों एक ही बात बची है वो नोट कर लीजिए, और वो ये है कि ये देखिए हमारे पास इस तरीके से है सर्किल, ये है इसका सेंटर, और बच्चों ये है टेंजेंट इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो यहां से अगर हम सेंटर से इसके ऊपर लाइन ऐसे डालेंगे तो बच्चों ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, टेंजेंट, टेंजेंट टू ए सर्किल एंड रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल आर परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों। इसमें हमारा प्रॉपर, अगर हम इसको यहां पे इस तरीके से मिला दें तो बच्चों इसमें प्रॉपर तरीके से हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगता है, और इसके ऊपर बहुत से सवाल अभी आप करोगे आगे, आपकी एक्सरसाइज में तो कम है लेकिन कल को आप 11th में जाओगे, 10th में जाओगे, जब कंपटीशन के क्वेश्चंस करोगे तो बच्चों इस प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा यूज है, ठीक है, फिजिक्स में भी काफी यूज है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये जो है छोटा सा कंसेप्ट सर्कल्स के बारे में आपके सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं एक्सरसाइज 10.1, तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पहला हमारा हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर है इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट सर्किल मतलब टेंजेंट होंगे किसी भी सर्किल के पास। कैसे बच्चों, देखिए क्या हुआ, जैसे ये हमारे पास एक सर्किल हो गया, एक टेंजेंट हमने ऐसे बना दिया, एक बच्चों ऐसे बना, सॉरी एक बच्चों हमने बना दिया इसको इस तरीके से, एक हम ऐसे बना सकते हैं, एक ऐसे बना सकते हैं, मतलब जितने पॉइंट होंगे सर्किल के ऊपर उतने टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं, ये हमारे पास फ्रीडम है। तो बच्चों पॉइंट कितने होते हैं सर्किल के ऊपर, इनफाइनाइट, तो टेंजेंट कितने हो जाएंगे, तो इनफाइनाइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो बच्चों ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ, और अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी एक्सरसाइज 10.1 का, और ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि बच्चों इस चैनल पे लिए आपके लिए बच्चों 9th 10th 11th 12th की CBSE NCERT NCERT की मैथ्स का जो है बुक है जो आपकी, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन विद कंसेप्ट है। दूसरी बात बच्चों हमारे पास 9th 10th 11th 12th की जो एक बड़ी ही प्यारी बुक है मैथ की, वो उसका नाम है RD शर्मा जी की बुक, ठीक है, RD शर्मा जी की बुक है, बहुत ही प्यारी बुक है, और जो बच्चे नीट और सॉरी IIT की तैयारी करते हैं वो जो है इस बुक को जरूर सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इसका आपका जो है CBSE का जो पैड वो है बुक, और जो ICSE का है उसका भी सलूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा। इस बुक को लेकर के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, बात नंबर 2। इसके अलावा बच्चों 11th एंड 12th की जो बुक, 11th एंड 12th की जो हमारी फिजिक्स, ठीक है, एंड केमिस्ट्री है, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, इसका भी सोल्यूशन आप देख सकते हैं बच्चों इसी चैनल पे। और इसको बच्चों मैंने ऐसा डिजाइन किया है कि आप चाहे ICSE में पढ़ रहे हो, चाहे CBSE में पढ़ रहे हो, या आप IIT या NEET की तैयारी कर रहे हो बच्चों, आपको जो है
हेल्प करेगा इसका कंटेंट अगर आप देखोगे तो, ठीक है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि वीडियो को देखते समय बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख ले, वहां पे आपको ये साफ साफ मैंने बताया कि इस चैनल पे क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है बच्चों। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ बच्चों मैं जो हूं अगला क्वेश्चन करवाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर टू। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर टू हमारा क्या है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या होता है, यहां पर देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन ए पॉइंट या पॉइंट्स। तो कितने पॉइंट्स पे जो है टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है बच्चों। तो देखिए ये है, ये हमारा टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट चाहे कितने भी हो लेकिन वो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो इसका आंसर है वन, ठीक खत्म बच्चों। दूसरा क्या, ए लाइन इंटरसेक्ट इन ए सर्किल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। ये लाइन है बच्चों ऐसे, ठीक है। और बच्चों ये लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है टू पॉइंट पे, इसको बोलते हैं हम सेकंड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेकंड। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। अब बच्चों क्या है यहाँ पे, ए सर्किल कैन हैव, ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं एट द मोस्ट, तो वो बच्चों हो सकते हैं हमारे टू, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जैसे ये टेंजेंट है और बच्चों ये हमारा जो है इसका दूसरा ये पैरेलल हो गया तरीके से, ठीक है। अब बच्चों देखिए लास्ट में, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड, क्या होता है। जैसे कॉमन पॉइंट है हमारा यहां पे ये मिल रहा है, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये बच्चों इसका जो है आंसर है, ये मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू जो है वो कंप्लीट हुआ। और बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू इज, ठीक है बच्चे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात कही गई है कि ये हमारे पास इस तरीके से एक सर्किल है, ठीक है, इसका सेंटर है बच्चों ओ, ठीक है। और बच्चों यहां से एक हमारा जो है टेंजेंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये टेंजेंट बच्चों सर्किल को पी पे इस तरीके से मीट करता है इस पॉइंट पे, ठीक है बच्चों। अब क्या है कि एक लाइन है जो ओ सेंटर से पास हो रही है और इस वाली लाइन को क्यू पे यहां पे मीट करती है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से कि ओ क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हमको रेडियस दे रखा है ये 5 सेंटीमीटर। देखिए ओपी 5 सेंटीमीटर हो गया, तो पी क्यू की लेंथ क्या होगी, देखिए लेंथ पी क्यू इसका ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल बना ओ पी क्यू, इसमें ये एंगल हमारा 90 है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो बच्चों यहां पे लिखिए इन ट्रायंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए क्या होगा, यहां पे आएगा बच्चों ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ओ क्यू हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 स्क्वायर, ओ पी 5 है तो 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू हमें निकालना है, क्या गया बच्चों, ये हुआ 144, ये हुआ 25 और बच्चों ये हुआ हमारा पी क्यू का स्क्वायर। तो बच्चों हमारा पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 25 और बच्चों आएगा 119, तो ये आ गया बच्चों पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी बच्चों अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये 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 ये, तो ऑप्शन इसका होगा बच्चों हमारे पास डी। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है क्वेश्चन सिंपल तथा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर क्या है बच्चों। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है एक्सरसाइज 10.1 का। क्वेश्चन क्या है, ड्रा ए सर्किल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन लाइन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकंड टू द सर्किल।
सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है बच्चों क्वेश्चन में। देखिए क्या है, ये हमारे पास एक सर्किल है इस तरीके से, और बच्चों सपोज करिए ये एक गिवन लाइन है पी क्यू, ठीक है। इस तरीके से देखिए पी क्यू एक गिवन लाइन है। अब बच्चों इस ये हो गया क्वेश्चन का सर, एक सर्किल एक गिवन लाइन। अब बच्चों इस लाइन के पैरेलल हमको दो लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि एक इस पे हो टेंजेंट और एक हो सेकंड। तो बच्चों देखिए पहली लाइन तो देखिए हमने बना दी ये, ठीक है। देखिए इस तरीके से एक्स वाई, देखिए ये हो गया हमारा टेंजेंट। ये कहां पे कट कर रहा है, ये इसको ए पे कट कर रहा है, ठीक है, ये हो गया टेंजेंट। दूसरी लाइन बच्चों हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। देखिए दूसरी लाइन हम जो है इसी के पैरेलल बनाते हैं, वो देखिए ऐसे बनाएंगे, ठीक, ये बन गया, ठीक है, ये देखिए बन गया। ये हमारा जो है इसको कट कर रहा है यहां पे सी और डी पे, और ये लाइन है बच्चों हमारे पास एम और एन। तो बच्चों ये हमारा हो गया टेंजेंट और ये हो गया सेकंड। तो यहां पे लिखिए लाइन एक्स वाई इज टेंजेंट टू सर्किल पैरेलल टू लाइन पी क्यू, और दूसरी बात होगी कि लाइन एम एन इज सेकेंड टू द सर्किल पैरेलल टू लाइन पी क्यू, पैरेलल टू लाइन पी क्यू। पी क्यू के पैरेलल लाइन हमारी एक एक्स वाई हो गई, एक एम एन हो गई, और बच्चों एक सेकंड है एक टेंजेंट है। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों जो है हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और बच्चों वहां पे करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।